गाइस वेलकम बैक टू मिस्टर ब्लॉग्स। गाइस आज की वीडियो में हम लोग घूमने वाले जनेश्वर मिस पार्क और काफ़ी ओपी जगह है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कभी आए नहीं होंगे तो ज़रूर आना। जनेश्वर मिस पार्क काफ़ी अच्छी प्लेस है और यहाँ जो वीडियो शूट हो रही है गाइस वाइड एंगल कैमरा हम लोग शूट करके आज जाने वाले हैं बाप इंजन यानी गाइस एक पुराने जमाने की ट्रेन जो कि काफ़ी अच्छा इंजन है। वहाँ पर जाके हम लोग देखने वाले हैं किस तरह का इंजन है, वो विंटेज ट्रेन कह सकते हो गाइस। तरह से चलो गाइस, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, समझ रहे हो। आज की वीडियो हम लोग जाने वाले हैं बाप इंजन के पास, तो वीडियो को विदाउट स्क्रिप्ट कर देना लाइक और कमेंट बताना आप कहाँ से हो। अच्छा, और हाँ गाइस काफी लोग सोच रहे होंगे मैंने साइकिल कहाँ से ले ली, तो गाइस यहाँ पे रेंट पे साइकिल भी मिलती है, तो आप लोग साइकिल भी ले सकते हो अपनी आईडी प्रूफ देकर। और यार यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है तो हम लोग बाइक से आते, और गाइस यहाँ पे आप लोग साइकिलिंग कर सकते हो इजिली, पूरा पार्क घूम सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है ये। पूरे पार्क में स्पीकर्स लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है यार शाम को आने पे, क्योंकि चारों तरफ आपको गाने सुनने पड़ेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो गाइस इस पार्क में आने के लिए आपको क्या करना है, जनेश्वर में इस पार्क आने के लिए आपको आना है लखनऊ, लखनऊ में गोमती नगर में गाइस ये पार्क है, तो काफ़ी ओपी जगह है। और कमेंट में जो बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। ओके गाइस चलो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, मैं पैदल चल रहा हूँ और ये मेरा दोस्त है साइकिल चला रहा है। गजब बेइज्जती है चमकांडी। चलो गाइस हम लोग जाने वाले ट्रेन के पास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डर सा लगता है गाइस। देखो यहाँ पे पूरा सुनसान इलाका है, वहाँ पे विंटेज ट्रेन खड़ी करी गई है, क्योंकि बहुत दूर है, आपको 6 नंबर गेट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे बाइक बहुत कम लोग दिखते हैं, तभी डर लगता है मेरे को थोड़ा बहुत। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे ट्रेन के पास, और देख पा रहे होगे आपको दूर से ही दिख रही होगी, तो शायद अभी नहीं दिख रही होगी गाइस, पर हम लोग को दिख रही है, कैमरे में अभी तक नहीं आ पा रहा है और मैं भाग रहा हूँ इस समय गाइस। अब देख पा रहे हो गाइस वो रही हमारी ट्रेन जो कि खड़ी हुई है और हम लोग पास में चलने वाले। भाई यहाँ पे आते ही पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, यहाँ पर आते ही एकदम अजीब सा डर महसूस होता है। और गाइस वो देखो ट्रेन हमारी खड़ी है वहाँ पर, और भाई कसम से यार यहाँ पे बहुत डर लग रहा है गाइस, सीरियसली हमारे दोस्त को भी बहुत डर लग रहा है, पर ये चमकांडी साइकिल चलाए पड़ा है तब से। गाइस देखो ये रही ट्रेन, और ओके गाइस ये देखो ये रही हमारी हॉरर ट्रेन। मतलब गाइस यहाँ पे अजीब सा ही डर लगता है, और चारों अब लोग एक बात नोटिस की, वो ट्रेन जो है उसके पास में एक ही पेड़ है, वो भी बहुत अजीब सा पेड़ है भाई, डर लगता है देख कर, ऐसा लगता है भूत भूत वगैरह चढ़ते हैं उस पर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और उसके आगे मेरा दोस्त इतना मेरे को डरा दिया कि मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, तो मैंने गाइस जूम मारा, और जूम मारने के बाद भाई साहब जो ही मेरे को डर लगना अचानक से देखो अचानक से खिड़की पर जैसा कोई दिखा, और गाइस ओ भाई भाग 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 पहले भाग जल्दी भाग मेरे को डर लग रहा है। ओके गाइस कुछ लोग आ गए तो मेरे हमारे पास हिम्मत आ गई और हम लोग चल रहे ट्रेन के पास। भाई साहब काफ़ी डर लग रहा था और मैं कोई था ही नहीं यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे अभी वाइड एंगल कैमरा खोल चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या ही लुक आ रही विंटेज ट्रेन गाइस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, क्या पता नहीं 90s की होगी गाइस, कब की है ट्रेन यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिखा तो हुआ है पर नहीं बताऊंगा गाइस। चलो देखते हैं हम लोग कहाँ इसके अंदर चल के देखते हैं गाइस अंदर क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से एडवांस फीचर्स इसमें डाल रखे हैं गाइस। चलो हम लोग अंदर चल के देखेंगे, और यहाँ आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब एकदम रियल है, बस इसको थोड़ा पेंट किया गया है क्योंकि काफ़ी पुराना है, तो पेंट करके थोड़ा सा दिखने लायक हो जाए इसलिए गाइस पेंट किया गया है। और यहाँ पे एक साइलेंसर है जो कि आप लोग देख पा रहे हो, साइलेंसर है क्या ये भाई, इतना छोटा साइलेंसर तो नहीं हो सकता गाइस, कुछ है पता नहीं मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे किसी ने नाम लिख के गया अपना, और यहाँ पे आप टायर्स उसके देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े टायर्स हैं, काफ़ी अच्छी है यार लोहे की है मतलब प्लास्टिक के जो है नहीं। ओके गाइस तो इस पे चढ़ के देखते हैं, और सामने कोई आया हुआ है उस बंदे को इग्नोर मारो, पता नहीं कौन है, फ़ोटो खींचने के लिए आया हुआ है वो। ओ भाई गाइस इसकी पटरी रियल है भाई, मुझे लगा फेक होगी पर गाइस सब कुछ रियल है यार इसमें, आप लोग आ सकते हो काफ़ी अच्छी हुई यहाँ पे फ़ोटो भी होगी। और एक बंदे ने तो हद ही पार कर दी भाई, ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहा था, मतलब सबसे टॉप पे चढ़ गया एकदम,
भैया जी हमारे इतने हैवी ड्राइवर थे ऊपर ही चढ़ गए ट्रेन के ऊपर, और इसकी भाई एक हेडलाइट किसी ने तोड़ दी। हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे गाइस कभी कभी घूमने, तो तब पहले देखा था तो यार हेडलाइट थी, अभी इसी ने हेडलाइट भी फोड़ दी भाई। मतलब कुछ भी गाइस यहाँ पे फोड़ तोड़ के चले जाते हैं। और चलो अंदर चढ़ने ते अंदर गाइस चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर है, तब भी मैं आप लोगों के लिए चढ़ जाता हूँ। और वीडियो को इसी बात पर लाइक जरूर कर देना। इधर भी साइलेंसर है, मतलब डबल साइलेंसर उस ज़माने में भी था क्या? चलो गाइस मजाक कर रहा था, वो साइलेंसर नहीं कुछ और ही है। और अंदर का इंटीरियर आप लोग देखो, यहाँ पर मीटर वगैरह सब उखाड़ के ले गए हैं सब लोग। और यहाँ पे एक स्टेयरिंग दी गई है लग्जरी सी। और पीछे ये देखो ये क्या है पीछे गाइस, टट्टर टाली जैसा नहीं होता है कुछ, वहाँ पर कोयला वयला धरने के लिए होता है। हाँ यहाँ पे कोयले धरते होंगे शायद, तभी ये भाप इंजन चलता होगा। वही बंदे को देखो आधी पार कर देगा गाइस, अभी ऊपर चढ़ जाएगा पता है। यहाँ से तो फोटो खिंचा के इसका मन नहीं भरता, तो ऊपर ही चढ़ जाता है चिमकांडी एकदम ऊपर टॉप पर। और एक बार राउंड मार के गया सियाह का सिक्योरिटी गार्ड जो है, राउंड मार के गया हुआ है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, कोई भगाएगा नहीं। हम लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं ऊपर, और ये बंदे को देखो भाई, अरे कहाँ जा रहा है भाई, हेलो गाइस, इस बंदे को देख रहे हो कहाँ चढ़े जा रहा है ऊपर, पागल है क्या भोसड़ी के, ऊपर चढ़ के मानेगा ये। ओके गाइस चलो हम लोग तो ऊपर नहीं चढ़ेंगे, मेरे को हाथ नहीं चलवाएं। तो इंटीरियर कैसा है, और इंटीरियर तो भाई ही लग रहा है मर्सिडीज का, रोल्स रॉयल का इंटीरियर है। देखो यहाँ के सारे चीज थे जो चोरी हो चुके हैं शायद से, पहले भी यहाँ पे कुछ आते रहते लोग, कुछ चोरी करके ले गए अंदर। बहुत सारी चीज़ें थी जब मैं पहले आया था, तो बहुत अंदर मीटर था, बहुत सारी चीज़ें थी। ओके गाइस तो यही था हमारा भाप इंजन, अभी यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ सही सलामत, क्योंकि भाई बहुत डर लगता है गाइस ऊपर चढ़ने पे, देख रहे हो कितना ऊंचाई पे है ये, और तीन चार ही सीढ़ियाँ दी रखी हैं, तो यहाँ से जंप मारना पड़ेगा मुझे। और भाई साहब गाइस देख पा रहे हो, तो ये था हमारा भाप इंजन। और आप लोग आना चाहते हो ज़रूर आ जाना, डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं यहाँ का मैं लोकेशन दे दूंगा, तो आप लोग आ सकते हो। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी हम लोग बाहर निकल रहे गेट के साइड, और यह हमारा है नेशनल फ्लैग, तो काफ़ी बड़ा है, आपको दूर से ही दिख जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो, काफ़ी ओपी ओपी जगह है यहाँ पे। तो गाइस अभी आप लोग साइकिल लेके पूरा जनेश्वर पार्क घूम सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गेट के साइड में, और यहाँ पे भी गाइस देखो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हैं, और स्पीकर्स लगे हैं भाई चारों तरफ, बहुत मज़ा आता है सुनने में गाने। और ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाले पेड़ मुझे बहुत पसंद है यहाँ के। और यहाँ पे गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं तो गेट के पास, जब तक जा रहे हैं गाइस तब तक आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये देखो गाइस ये देख पा रहे हो ऐसे एक टनल जैसा लग रहा है ना गाइस, देख पा रहे हो टनल की तरह बन चुका है ये बस ये जो। ओके गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।